इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और इसी बीच इस वक्त की एक बड़ी खबर जो मुंबई से सामने आ रही है। मुंबई के पास रायगढ़ में पानी की तेज धार में आपको बता दें कि दो बच्चे बह गए और सर्च ऑपरेशन उनको ढूंढने के लिए एक बार फिर से शुरू हो गया है। दो बच्चे बारिश के बीच नाले में बह गए। जिस नाले में ये बच्चे गिरे थे वो नाला पाताल गंगा नदी में जाकर गिरता है। उनका सर्च ऑपरेशन चल रहा है, लगातार उन्हें ढूंढने की कोशिश की जा रही है। ये घटना रायगढ़ जिले के खालापुर तालुका की बताई जा रही है। एक बच्चे की उम्र 7 साल है तो वहीं दूसरे बच्चे की उम्र 3 साल है। सर्च ऑपरेशन में लोकल लोगों की भी मदद दी जा रही है। महाराष्ट्र के रायगढ़ से ये खबर जहां की तस्वीरें आप देख रहे हैं। दो बच्चे एक नाले में गिर गए जिनमें से एक बच्चे की उम्र 7 साल दूसरे की उम्र 3 साल बताई जा रही है और लगातार दोनों को ढूंढने की कोशिश जारी है। सहयोगी जयप्रकाश सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयप्रकाश, क्या अपडेट, क्या जानकारी? देखिए ज्योत्सना, ये घटना कल दोपहर करीब 2 बजे के आसपास की है और इस घटना में बहुत ही दुखद बात यह है कि दोनों सगे भाई बहन जो है इस पानी की तेज धार में बह गए। ये नाला जो है पातालगंगा नदी से जुड़ता है, रायगढ़ के खपोली के क्रांति नगर की ये घटना है और अब तक इनका सर्च ऑपरेशन दोनों बच्चों का जारी है और दोनों बच्चों की अब तक कोई शिनाख्त, कोई तलाश में कोई कामयाबी जो है एजेंसियों को नहीं मिल पाई है। फायर ब्रिगेड के साथ स्थानीय जो TDRF है वो इस पूरे मामले में जुटी हुई है, सर्च अभियान में जुटी हुई है और ये कोई पहली घटना नहीं है। जो मैं आपको बताऊं कि इसके अलावा पिछले 2 दिन में 4 ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें छोटे छोटे बच्चे या तो नालों में बह गए हैं या तो मेनहोल में बह गए हैं और लगातार बरसात। बहुत दुखद बरसात। बहरहाल बहुत शुक्रिया जयप्रकाश आपका तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखें आगे। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।